हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यह रासायनिक बलगतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि अभिक्रिया की कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योगफल है। किसी भी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योगफल है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए सांद्रण पदों पर लगाया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है प्रेक्षित दर। प्रेक्षित दर को हम प्रायोगिक मान भी कह सकते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है उसे हम लोग प्रेक्षित मान के द्वारा निकाल करके हम उस अभिक्रिया की कोटि को बता सकते हैं। अथवा किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है। किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि किसी अभिक्रिया को प्रेक्षित दर को दर्शाना है। तो उसको दर्शाने के लिए जो हमारे अभिकारक अणु हैं उनकी सांद्रता की घात कितनी है। तो यदि हम घात को काउंट कर लें, घात को डिटरमिनेट कर लें, तो हम उस अभिक्रिया की कोटि को आसानी से बता पाएंगे। एक हमने यहाँ पर अभिक्रिया लिया है ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों अभिकारक ए बी सी उत्पाद में परिवर्तित हो जा रहे हैं। यहाँ पर अभिकारक का ए मोल हमने लिया है, अभिकारक बी का स्मॉल बी मोल लिया है, अभिकारक सी का स्मॉल सी मोल हमने लिया है। तो किसी भी अभिक्रिया की जो कोट होती है उसे हम लोग दो मानों के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। एक हमारा होता है सैद्धांतिक मान, एक हमारा होता है प्रायोगिक मान। तो जो सैद्धांतिक मान होता है वो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार होता है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम होता क्या है। तो यहाँ पर जो अभिकारक ए बी और सी है ये कुछ समय बाद उत्पाद में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार जो यहाँ पर रेट होता है, दर होता है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी सी की पावर सी। तो जो अभिक्रिया इस अभिक्रिया के लिए जो हमारा सैद्धांतिक मान है उसके लिए जो दर होगा के ए की पावर ए बी की पावर बी और सी की पावर सी। तो ये है हमारा सैद्धांतिक मान। जबकि जो हमारा प्रेक्षित दर समीकरण, अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योगफल है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए, ना कि सैद्धांतिक मान को दर्शाने के लिए, हमको ज्ञात करना होगा प्रेक्षित दर। तो प्रेक्षित दर को हम लोग प्रायोगिक मान भी कह सकते हैं। तो इसी अभिक्रिया के लिए जो प्रेक्षित दर समीकरण होगा आर इज इक्वल टू डी एक्स अपान में डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ए की पावर ए, रिएक्टेंट बी की पावर बी, रिएक्टेंट सी की पावर सी। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर के ए की पावर ए बी की पावर बी सी की पावर सी। तो ये हमारा सैद्धांतिक मान है, ये हमारा प्रायोगिक मान है। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए जब हम अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करेंगे तो हमेशा प्रायोगिक मान के द्वारा ही निर्धारित करेंगे, ना कि सैद्धांतिक मान के द्वारा। तो जो प्रेक्षित दर समीकरण होता है उसी को हम लोग अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करने में उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में यदि ए बी सी जिनकी सांद्रता की घात के लिए हमने ए मोल बी मोल सी मोल लिया है और कुछ समय बाद ये पी में परिवर्तित हो जा रहे हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जा रहे हैं, के लिए अभिक्रिया के वेग अभिकारक ए बी तथा सी के लिए, अभिकारक ए के लिए, अभिकारक बी के लिए, अभिकारक सी के लिए, यदि सांद्रताओं की घात अभिकारक ए के लिए M1 है, अभिकारक बी के लिए M2 है और अभिकारक सी के लिए M3 है, तो घातांकों के ऊपर निर्भर करता है। तो वेग नियम के अनुसार जो रेट होगा के ए की पावर M1, बी की पावर M2, सी की पावर M3। तो जो अभिक्रिया की कोट होगी, समग्र कोट होगी, कुल कोट होगी, वो M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमारी अभिक्रिया की कोट हो जाएगी। मतलब अब इन दोनों का मान किसी भी अभिक्रिया के लिए सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान समान भी हो सकते हैं, लेकिन हम अभिक्रिया के कोट को निर्धारित करने के लिए हमेशा प्रायोगिक मान को भी सही ठहराते हैं। हमेशा
अभिक्रिया की कोटि यदि निर्धारित करना है तो हमेशा प्रायोगिक मान को ही आपको दिखाना पड़ेगा, ना कि सैद्धांतिक मान को दिखाना पड़ेगा। अब ये दोनों मान, सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अब हमारे जो अभिक्रिया की कोट आई m+1, m1, m2, m3 आई, अर्थात अभिक्रिया का जो वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारक के सांद्रता पदों की घातों का जो योग होता है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। अब अभिकारक ए की सांद्रता की घात m1 थे, अभिकारक बी की सांद्रता की घात m2 थे, अभिकारक सी की सांद्रता की घात m3 थे। तो कुल मिलाकर जो समग्र कोट होगी m1+m2+m3, तो जो m1 होगा प्लस m2 होगा प्लस m3 होगा, यही हमारी अभिक्रिया की कोट होगी, मतलब स्मॉल n हो जाएगा। एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं NaCl+AgNO3, कुछ समय बाद ये AgCl और NaNO3 में परिवर्तित हो जा रहा है सोडियम क्लोराइड, और जब हम सिल्वर नाइट्रेट को अभिक्रिया द्वारा अभिकृत करते हैं तो यहाँ AgCl और सोडियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जो रेट होगा R=kNaCl AgNO3। अब इसी को वेग नियम के अनुसार जब लिखेंगे तो R=dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NaCl^1 AgNO3^n। ध्यान रखने वाली यहाँ पर बात यह है कि जब किसी भी रिएक्टेंट की पावर एक होती है तो उसे हम लिखते नहीं हैं। तो यदि हम कुछ यहाँ पर रिएक्टेंट की पावर नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पर एक है, तो R=kNaCl AgNO3^1 है, दोनों की पावर, बोथ की पावर यहाँ पर 1:1 है। कुल मिला के देखा जाए तो द्रव्यमानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार, मतलब जो हमारा सैद्धांतिक मान है और जो हमारा प्रायोगिक मान है, ये दोनों का मान समान हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो कोटि होगी m+n=2 होगी, इसकी सांद्रता की घात 1 है, इसकी सांद्रता की घात 1 है, जो कोटि होगी m+1=2 होगी। अब जो यहाँ पर सैद्धांतिक मान होता है, उस अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसकी जितनी आणविकता होती है वही उसकी सैद्धांतिक मान में उसकी कोटि हो जाती है। लेकिन यदि हम सैद्धांतिक मान को मान के चलेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है तो हमारा गलत हो जाएगा। सदैव हम अभिक्रिया की कोटि के लिए प्रायोगिक मान को ही वैल्यू देंगे, उसके द्वारा ही हम अभिक्रिया की कोटि को निकालेंगे। दूसरा हमारा समीकरण है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे फॉर्म H2O and CaCl2, ये वाटर का फॉर्मेशन करता है और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार यहाँ पर R=K हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइज की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी, HCl^2 हो जाएगी। ये हमारा सैद्धांतिक मान है, ना कि प्रायोगिक मान है। जब इसको हम प्रेक्षित दर समीकरण के द्वारा निकालते हैं तो यहाँ पर Dr=K हो जाएगा, यहाँ पर CaOH^2 HCl^2। अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता की घात 1 है, HCl की सांद्रता की घात यहाँ पर 2 है, तो जो यहाँ पर कोटि होगी, अब दोनों मान यहाँ पर समान है, सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान समान हो सकते हैं, है भी यहाँ पर, जो यहाँ पर कोटि होगी m+n=1+2=3। तो कुल मिला के कोटि यहाँ पर 3 हो गए। जब सैद्धांतिक मान यहाँ पर समान है और प्रायोगिक मान भी समान है तो जो सैद्धांतिक मान होता है वही अभिक्रिया की हमारी आणविकता हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया के लिए जो आणविकता होगी वो हमारी 3 हो जाएगी। तीसरा हमारा समीकरण है कि जो हमारा एथिल एसीटेट होता है, जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो ये एस्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसका हम रेट निकालते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार, तो R=kCH3COOC2H5 एथिल एसीटेट की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी और यहाँ पर H2O की पावर भी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर सांद्रता की घात हमने कुछ लगाया नहीं है, ना तो 1 लिखा, ना तो 0 लिखा, ना तो 2 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी सांद्रता की घात 1 है, इसकी भी सांद्रता की घात 1 है। लेकिन इसी अभिक्रिया के लिए जब हम प्रेक्षित दर समीकरण याद करेंगे तो यहाँ पर R=K एथिल एसीटेट की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी और H2O की पावर 0 हो जाएगी, मतलब इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यहाँ पर जल की सांद्रता की घात 0 हो गई। तो अब यहाँ पर प्रेक्षित मान, प्रायोगिक मान और जो सैद्धांतिक मान है वो दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम
नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे, प्रायोगिक मान को मानेंगे। तो इस प्रायोगिक मान में जो हमारा इथिल एसीटेट है इसकी सांद्रता की घात 1 हो गई और H2O की सांद्रता की घात 0, तो कोट यहाँ पर हमारी N+N इज इक्वल टू 1+0 इज इक्वल टू 1, तो कोट हमारी यहाँ पर 1 हो गई, जबकि इसकी आणविकता कितनी है, 2 है। इसी तरह हमारा चौथा समीकरण है N2+3H2, ये बनाता है 2NH3। ये उत्प्रेरक अभिक्रिया है, उत्प्रेरकीय अभिक्रिया है, जो उत्प्रेरक के द्वारा ही संपन्न होती है। यहाँ पर उत्प्रेरक हमने आयरन लिया है और प्रमोटर के तौर पर हमने मॉलिब्डेनम लिया है। तो इसका जब हम रेट निकालते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू होता है K N2 की पावर 1 H2 की पावर 3। तो 1 को हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, हमने पिछले कुछ समय पहले भी बताया अभी। तो दर नियम के अनुसार यहाँ पर R इज इक्वल टू के हो जाएगा N2 की पावर 0 और H2 की पावर 0। अब प्रायोगिक मान के द्वारा देखा गया तो इस अभिकारक की जो सांद्रता की घात है 0 है, N2 की पावर 0 है और H2 की पावर 0 है। जब N2 की पावर 0, H2 की पावर 0, तो बचा कितना, के बचा। तो कोट यहाँ पर हमारा M+N इज इक्वल टू 0+0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम अनुसार हम जब रेट को निकालते हैं तो ये हमारा सैद्धांतिक मान है, जबकि हमारा प्रायोगिक मान है। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए हम सदैव ही प्रायोगिक मान के द्वारा ही उस अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करते हैं। पांचवा हमारा है, ये जो हमारा एसीटाल्डिहाइड है, इस एसीटाल्डिहाइड को जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है, परिवर्तित हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के अनुसार यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा के CH3CHO की पावर 1। इसी समीकरण के लिए जब हम दर नियम के अनुसार रेट को निकालेंगे तो R इज इक्वल टू के CH3CHO की पावर यहाँ पर 1.5 आया। ये प्रायोगिक मान है, ना कि सैद्धांतिक मान है। तो कोट हमेशा प्रायोगिक मान के द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है। तो कोट यहाँ पर कितना आ गया, 1.5 आ गया, ना कि 1। अब 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो CH3CHO के लिए जो यहाँ पर अभिक्रिया की कोट होगी या तो 1/5 होगी अथवा 3/2 होगी, जबकि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, जबकि इसकी जो आणविकता है वो हमेशा 1 है। यहाँ पर आणविकता N2 का हमने 1 अणु लिया है नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का हमने 3 अणु लिया है। तो कुल मिला के 1+3 इज इक्वल टू 4, तो आणविकता यहाँ पर 4 हो जाएगी। जबकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले प्रारंभिक पद में अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या होती है वही हमारी आणविकता कहलाती है। छठा हमारा एग्जाम्पल है कि हम एसिटिक एसिड और NaOH की क्रिया कराते हैं, तो ये अभिकृत होकर के सोडियम एसीटेट और H2O में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम प्रेक्षित दर समीकरण के द्वारा, मतलब प्रायोगिक मान के द्वारा जब इसके रेट को डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड की सांद्रता की घात हमेशा 1 होगी और NaOH की सांद्रता की घात हमेशा 1 होगी। तो जो यहाँ पर कोटि होगी N इज इक्वल टू M+1, 1+1 इज इक्वल टू 2, जबकि इसकी आणविकता मॉलिक्यूलरिटी भी यहाँ पर 2 हो जाएगी। ये मान सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों के लिए यहाँ पर 2 ही आएगा। इसी तरह हम सातवें एग्जाम्पल की बात करते हैं, मिथिल क्लो ट्राइक्लोरोमेथेन की क्रिया हम जब लोग क्लोरीन से कराते हैं तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और HCl में परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसका हम रेट निकालते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू के CHCl3 की पावर 1 Cl2 की पावर 1। ये द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार है, जबकि इसका जो मान होता है हमेशा सैद्धांतिक होता है, ना कि प्रायोगिक होता है। जब हम प्रेक्षित दर समीकरण के द्वारा इस अभिक्रिया के लिए वेग का मान डिटरमाइन करते निकालते हैं तो यहाँ पर R इज इक्वल टू के हो जाएगा CHCl3 की पावर 1 और Cl2 की पावर हाफ, 0.5 लिख भी सकते हैं। तो जो कोटि होती है हमेशा प्रायोगिक मान होती है। तो हमारा जो प्रेक्षित दर समीकरण है ये हमेशा प्रायोगिक मान को ही दर्शाएगा। तो जो हमारा कोटि होगी M+1 इज इक्वल टू 1+1/2 इज इक्वल टू 1.5। तो जो यहाँ पर कोट होगी 1.5 होगी, जबकि इसकी जो आणविकता होगी M इज इक्वल टू 2 हो जाएगी।